दोस्तों नमस्कार आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राहुल सर स्टडी पर जैसा कि आपने टाइटल और थंबनेल में देख लिया होगा कि आज हम बात करेंगे तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा 2022 बेस्ट बुक के बारे में और इसके साथ साथ हम क्या करेंगे सिलेबस के साथ साथ बेस्ट बुक के बारे में बात करेंगे दोस्तों सबसे पहले आपको पता है कि रीट क्वालिफाई करने के बाद आपका तृतीय श्रेणी यानी थर्ड ग्रेड का जो पेपर होगा उसके बारे में हम बात करेंगे हालांकि इससे पिछले वाले वीडियो में हमने लेवल टू की बात की थी आज अपन बात करेंगे लेवल वन लेवल वन का मतलब है कक्षा एक से लेकर पांच तक का जो अध्यापक बनेगा उसके बारे में हम बात करेंगे क्योंकि सबसे पहले आपने रीट क्वालिफाई की उसके बाद में कक्षा एक से कक्षा पांच के अध्यापक के लिए सिलेबस क्या होगा और सिलेबस के अकॉर्डिंग बेस्ट बुक और गाइड उनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखना अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना बेल आइकन को प्रेस कर देना लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर से करना चलिए सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे इसके सिलेबस सिलेबस के के साथ साथ बेस्ट बुक के बारे में अपन डिस्कस करने वाले हैं तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते सीधे सीधे आप टॉपिक की बात करते हैं दोस्तों इसमें सबसे पहले मैं बात करूंगा कि लेवल वन लेवल वन यानी कक्षा एक से पांच तक का जो अध्यापक बनेगा उसमें दोस्तों रीट के बाद जो थर्ड ग्रेड का पेपर होगा उसके बारे में बात कर रहा हूं डेढ़ सौ क्वेश्चन और एक क्वेश्चन जब दो तो अंक का तो तीन सौ अंक का यहां पर मैटर होगा कितना डेढ़ सौ क्वेश्चन आएंगे और तीन सौ अंक ठीक है अब दूसरी बात आती है इसमें समय समय की अगर मैं बात करूं समय की अगर मैं बात करूं तो दो घंटा तीस मिनट दो घंटा तीस मिनट का मतलब होता दोस्तों एक सौ पचास मिनट 150 मिनट यानी 150 क्वेश्चन और 150 मिनट मतलब क्वेश्चन हुआ एक क्वेश्चन के लिए आपको एक मिनट का टाइम मिलेगा एक क्वेश्चन के लिए आपको एक मिनट का टाइम मिलेगा दूसरी बात नेगेटिव मार्किंग की अगर हम बात करेंगे हालांकि रीट में नेगेटिव मार्किंग नहीं है लेकिन तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा होगी इसमें एक बटा तीन माइनस मार्किंग है, है नेगेटिव तो इसका आप विशेष तौर से ध्यान रखना अब हम बात करते हैं सबसे पहले सिलेबस के बारे में यानी कि लेवल बल में सिलेबस क्या क्या होगा और सिलेबस के आधार पर अपन बेस्ट बुक की बात करेंगे दोस्तों सबसे पहले मैं बात करूंगा राजस्थान का जो सिलेबस दे रखा आपके राजस्थान का भौगोलिक राजस्थान का भौगोलिक ऐतिहासिक एवं राजस्थान का राजस्थान का भौगोलिक ऐतिहासिक और ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ज्ञान सांस्कृतिक ज्ञान दोस्तों एक नंबर की अगर मैं बात करूं तो राजस्थान का भौगोलिक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ज्ञान ये दोस्तों टोटल पैंतालीस क्वेश्चन है दोस्तों कितने क्वेश्चन है पैंतालीस क्वेश्चन है जब एक क्वेश्चन दो नंबर का होता है तो नब्बे अंक यानी कि केवल और केवल राजस्थान जीके की बात कर रहा हूं उसमें राजस्थान का भौगोलिक भूगोल इतिहास और संस्कृति यानी आर्ट एंड कल्चर पैंतालीस क्वेश्चन होंगे और नब्बे अंक का यहां पर मैटर होगा तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे इसके लिए आपको क्या पढ़ना होगा दोस्तों इसके लिए आपको कक्षा कक्षा छह से लेकर बारह तक कक्षा छह से लेकर बारह तक राजस्थान अध्ययन राजस्थान अध्ययन की बुक आपको पढ़नी होगी नवीनतम सिलेबस के आधार पर न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग कक्षा छः से लेकर बारह तक राजस्थान अध्ययन अगर आप राजस्थान अध्ययन की किताब नहीं खरीदना चाहो तो आजकल बहुत सारे पब्लिकेशन ऐसे हैं जो राजस्थान सार संग्रह निकालते हैं तो आप वहां पर राजस्थान सार संग्रह की बुक का गाइड का सारा ले सकते हैं जैसे हेराल्ट वाला निकालता और भी बहुत सारे होंगे या फिर अपने फर्स्ट रैंक वाले भी निकालते हैं तो आप देख सकते हैं लेकिन राजस्थान अध्ययन जरूर पढ़ना ठीक है राजस्थान अध्ययन के अलावा अगर कोई गाइड की बात करें तो आप जैसे एक लक्ष्य का सारा ले सकते हो लक्ष्य पेनोरमा ठीक है ना या फर्स्ट रैंक लेकिन ज्यादातर लक्ष्य पेनोरमा ये वर्तमान समय में चर्चित है तो इनमें से आप कोई सी भी एक गाइड ले सकते हैं लेकिन गाइड लो या ना लो लेकिन कक्षा छह से बारह तक राजस्थान अध्ययन जरूर लेना अगर राजस्थान अध्ययन की किताबें आप नहीं खरीदना चाहो आपको सार संग्रह चाहिए तो आजकल बहुत सारे पब्लिकेशन है राजस्थान सार संग्रह वो आप ले सकते हो ठीक है इसके अलावा लक्ष्य पेनोरमा इन गाइडों का आप सारा ले सकते हैं अब हम बात करेंगे दो नंबर की दो नंबर सिलेबस में क्या है राजस्थान का सामान्य ज्ञान राजस्थान का राजस्थान का सामान्य ज्ञान शैक्षिक परिदृश्य शैक्षिक परिदृश्य निशुल्क एवं निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिनियम और इसके बाद है और सामयिक विषय यानी करंट अफेयर्स करंट अफेयर्स अब ध्यान से समझना दोस्तों समझदारी वाली बात ये है कि का इसके लिए आप कक्षा आपको खरीदना तो होगा ही होगा तो जो मैटर आपको यहाँ पर जो गाइड आप यहाँ पर पढ़ रहे हो या फिर राजस्थान अध्ययन यहाँ पर पढ़ रहे हो या फिर लक्ष्य पढ़ रहे हो पेनोरमा पढ़ रहे हो जो कुछ भी आप गाइड या बुक पढ़ रहे हो तो वो मेटर आपका यहां पर भी तैयार हो जाएगा राजस्थान का सामान्य ज्ञान ठीक है ना तो उसमें आप राजस्थान का सामान्य ज्ञान तैयार कर सकते हैं शैक्षिक तो लाएंगे लाएंगे तो ऑल ओवर एक गाइड होगी उसके अंदर आपको शैक्षिक परिदृश्य का मेटर मिल जाएगा इसके लिए आपको अलग से कोई गाइड खरीदने की मेरे हिसाब से जरूरत नहीं होनी चाहिए निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिनियम निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिनियम यह आपको मनोविज्ञान में मिल जाएगा दोस्तों किस में मिलेगा मनोविज्ञान में यानी कि मनोविज्ञान की जो आप गाइड खरीदोगे इसमें आपको ये मैटर मिल जाएगा सामयिक विषय इसमें आप मूमल की देख सकते हो दोस्तों मूमल की आती है वो एग्जाम से एक महीना पहले आप खरीद लेना वार्षिक अंक आती है अभी पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है करंट अफेयर्स वैसे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे इसके राजस्थान जीके पर आप ज्यादा जोर दे सकते हैं और निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम यह आपको मनोविज्ञान में मिल जाएगा और इसके अलावा सामयिक विषय मूमल की आती है और भी बहुत सारी चलती है लेकिन मूमल की अभी राजस्थान में ठीक चल रही है और यह आप एग्जाम से एक महीना पहला अंक खरीद सकते हैं इसके बाद नंबर तीन की अगर मैं बात करूं विद्यालय का विषय ज्ञान यानी कि विद्यालय विषय विद्यालय विषय का ज्ञान विद्यालय विषय का ज्ञान दोस्तों लेवल वन की बात हो रही है यहां पर लेवल टू की नहीं है लेवल टू में अलग अलग सब्जेक्ट होते थे लेकिन लेवल वन में आपको सभी पढ़ने पड़ेंगे ऑल ओवर सब्जेक्ट आपको पढ़ने पड़ेंगे जैसे मान लीजिए सबसे पहले मैं बात करूंगा विषय ज्ञान की अगर मैं बात करूंगा तो सबसे पहले हिंदी हो गई इसके बाद अंग्रेजी हिंदी अंग्रेजी इसके बाद गणित हिंदी अंग्रेजी गणित विज्ञान और सामाजिक ज्ञान यानी एस एस टी तो इसमें देखिए एक दो तीन चार पांच पच्चीस हाँ बिल्कुल सही है देखो हिंदी अंग्रेजी गणित विज्ञान और सामाजिक यानी सभी के सभी सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे लेकिन क्वेश्चन पांच पांच क्वेश्चन आएंगे पांच क्वेश्चन इसके आएंगे पांच इसके हिंदी अंग्रेजी पांच पांच हो जाएंगे गणित के पांच हो जाएंगे विज्ञान के पांच और सामाजिक के पांच 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 ऐसे करके एक दो तीन चार पांच टोटल क्वेश्चन हो गए दोस्तों पच्चीस पच्चीस क्वेश्चन पच्चीस इंटू दो यानी कि पचास अंक यानी कि आपको हिंदी अंग्रेजी गणित विज्ञान सामाजिक ये मेरे हिसाब से अलग अलग गाइड खरीदना किताब खरीदना मेरे हिसाब से सही नहीं रहेगा क्योंकि पांच पांच क्वेश्चन तो इसमें आने अब हिंदी के लिए आप बहुत बड़ी किताब लेके आओगे अंग्रेजी के लिए लाओगे गणित के लिए लाओगे विज्ञान के लिए समाज क्योंकि पांच पांच क्वेश्चन आने हैं इसके लिए आप बहुत बड़ी गाइड नहीं लाना आ, मेरे हिसाब से आप जैसे ऑल ओवर गाइड खरीदोगे लेवल वन वाले ऑल ओवर गाइड जिसमें पूरा का पूरा सिलेबस दे रखा होगा वहां पर यह मैटर मिल जाएगा पांच पांच क्वेश्चन है इसके लिए आपको ज्यादा जोर देने की जरूरत नहीं है लेकिन देखना जरूर है लेकिन उस गाइड में यह मैटर आपको मिल जाएगा और बड़ी बड़ी किताबें खरीदने की मेरे हिसाब से जरूरत नहीं होनी चाहिए फिर आपकी समझ है तो हिंदी अंग्रेजी गणित विज्ञान सामाजिक ये पांच पांच क्वेश्चन है तो ऑल ओवर जो गाइड आप खरीदोगे उसमें आपको ये मीटर मिल जाएगा चलिए आगे बात करते हैं अपन नंबर चार की शैक्षणिक रीति विज्ञान दोस्तों शैक्षणिक रीति विज्ञान का मतलब होता है टीचिंग मेथड टीचिंग मेथड यानी कि शिक्षण विधियां और शिक्षण विधियों की अगर मैं बात करूं तो टोटल यही ये, ये लिखने की मुझे जरूरत नहीं इनको हटा देता हूं और यहां पर संख्या चेंज कर देता हूं ये लो ये तो हटा दिया मैंने भाई जैसे सब्जेक्ट तो ये हो गए हिंदी अंग्रेजी गणित तो, विज्ञान सामाजिक ये तो हो गए सब्जेक्ट तो इन्हीं सब्जेक्ट की शिक्षण विधियां होगी जैसे हिंदी की जैसे यहां पर सब्जेक्ट का ज्ञान था पांच पांच क्वेश्चन का सब्जेक्ट का ज्ञान पांच पांच क्वेश्चन शिक्षण विधियां चार चार क्वेश्चन चार 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 चौके सोलह ठीक है दोस्तों तो यहां पर देखो एक दो तीन चार सॉरी पांच है सॉरी पांच एक दो तीन चार पांच तो यहां पर हो गए दोस्तों बीस क्वेश्चन कितने क्वेश्चन हो गए बीस क्वेश्चन तो बीस इंटू दो यानी कि चालीस अंक की शिक्षण विधियां हो जाएगी ठीक है शिक्षण विधियां हो जाएगी तो देखो यहां तक तो मैंने आपको गाइड बता दी राजस्थान का भौगोलिक ऐतिहासिक सांस्कृतिक ज्ञान के लिए गाइड बता दी राजस्थान अध्ययन मैंने आपको बता दिया विद्यालय विषय में आपको हिंदी अंग्रेजी गणित विज्ञान सामाजिक इसके लिए अलग से गाइड नहीं लानी है ऑल ओवर आप गाइड करो दो तो उसमें आपको मैटर मिल जाएगा समझदारी तो यही होगी और फिर आप अलग अलग लाना चाहो तो आपकी मर्जी है देख सकते हो आप पढ़ना चाहते हो या फिर आप इतना अधिक पढ़ सकते हो तो बात अलग है और शैक्षणिक रीति विज्ञान में हिंदी अंग्रेजी गणित विज्ञान सामाजिक इसके लिए मंगल की आप खरीद सकते हो फर्स्ट रैंक की खरीद सकते हो शिक्षण विधियों के लिए मंगल सबसे बेस्ट है डॉक्टर एस मंगल या फिर फर्स्ट रैंक पब्लिकेशन की आती है तो आप फर्स्ट रैंक की देख सकते हो या फिर वैष्णव सर की आती है आर के वैष्णव सर की वो आती है आपके सिकवाल पब्लिकेशन से जिसकी भाषा आपके समझ में आए वो अच्छी है लेकिन अभी वर्तमान समय में, में मेरे हिसाब से मंगल सबसे बेस्ट है ठीक है ना फिर भी आप देख सकते हो कोई सी भी लेकिन मंगल मेरे हिसाब से बेस्ट है चलिए आगे बात करते नंबर पांच की पांच पर दोस्तों हैं शैक्षणिक मनोविज्ञान दोस्तों शैक्षणिक मनोविज्ञान की बात करें तो इसमें दोस्तों टोटल क्वेश्चन है दस इंटू दो यानी कि बीस अंक का ही मैटर है बीस अंक का ही मैटर है जैसा कि आपने अभी अपन ने थोड़ी देर पहले चर्चा की निःशुल्क एवं अनिवार्य निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिनियम निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिनियम ये आप जब आप शैक्षणिक मनोविज्ञान की कोई गाइड खरीदोगे ये गाइड खरीदेग ना इसी गाइड में आपको यह मैटर मिल जाएगा तो इसके लिए जैसे अभी वर्तमान समय में जो नाम चल रहे हैं बता देता हूं डॉक्टर देर सिंह धाबाई देर सिंह धाबाई की देख सकते हो या फिर आप फर्स्ट रैंक पब्लिकेशन डॉक्टर बी एल रिवाड़ और गरिमा रिवाड़ की आती है फर्स्ट रैंक पब्लिकेशन बी एल रेवाड गरिमा रिवाड या फिर आप देख सकते हो इसके अलावा डॉक्टर वंदना जादौन डॉक्टर वंदना जादौन की देख सकते हो या फिर आर के वैष्णव सर की देख सकते हो आर के वैष्णव सर की देख सकते हो लेकिन वर्तमान समय में देर सिंह धाबाई फर्स्ट रैंक ये पॉपुलर नाम है इसके अलावा वैसे हालांकि सभी अपने आप में कम नहीं है सब अपने आप में बेहतर है सब अपने आप में टॉप हैं। वीर सिंह दाबाई है फर्स्ट रैंक है, वंदना जादौन आर के वैष्णव सब अपने आप में बेस्ट हैं, ठीक है थीके? लेकिन मेरे हिसाब से वीर सिंह दाबाई फर्स्ट रैंक मुझे थोड़े से अच्छे लगे वीर सिंह दाबाई उसके बाद में फर्स्ट रैंक पब्लिकेशन ठीक है अब हम बात करेंगे छ नंबर छ नंबर पर बात करेंगे सूचना तकनीकी सूचना तकनीकी सूचना तकनीकी सूचना तकनीकी पांच इंटू दो यानी पांच क्वेश्चन आएंगे दस अंक तो पांच क्वेश्चन के लिए आपको अलग से कोई गाइड खरीदने की मेरे हिसाब से कोई आवश्यकता नहीं है समझदारी तो यही होगी कि आप जब ऑल ओवर कोई गाइड खरीदोगे ऑल ओवर जो भी गाइड खरीदोगे उसमें आपको यह मेटर मिल जाएगा तो अलग से आपको खरीदने की जरूरत नहीं है फिर भी आप नेट का सारा ले सकते जैसे ये देखो शैक्षिक परिदृश्य ये भी आपको अलग से गाइड नहीं खरीदनी है ऑल गाइड खरीदो उसमें आपको यह मैटर मिल जाएगा इसके अलावा सूचना तकनीक ये भी आपको ऑल ओवर गाइड में मैटर मिल जाएगा तो दोस्तों हो अपना अकॉर्डिंग बुक की अपन ने बात की है 150 क्वेश्चन टोटल आएंगे लेवल वन हो या लेवल टू लेवल वन हो या लेवल टू एक दो तीन चार चार पार्ट तो सेम है चार पार्ट में तो कोई फर्क ही नहीं है चाहे लेवल वन हो या लेवल टू बस फर्क है यहां पर यहां पर विद्यालय का विषय ज्ञान हालांकि शिक्षण विद्या वहां पर भी है यहां पर लेकिन अलग अलग है तो ये मान सकते हो कि लगभग लगभग देखो राजस्थान का भौगोलिक ऐतिहास राजस्थान जी के निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा सामयिक विषय शैक्षणिक परिदृश्य शैक्षणिक मनोविज्ञान सूचना तकनीक ये तो डी टू सेम टू सेम है फर्स्ट लेवल और सेकंड लेवल दोनों में सेम है तो कोई ज्यादा फर्क नहीं है फर्क है केवल और केवल सब्जेक्ट में उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा बहुत मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाया हूं अगर ईमानदारी से वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना बेल आइकन को प्रेस करना अपने मित्रों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना इसके अलावा कमेंट करना वीडियो आपको कैसा लगा इसके अलावा आपकी राय जरूर देना दोस्तों सभी को राम राम सभी को नमस्कार